देखो कितनी आनंद का विषय है, रात की 11 बजी है, मेरा पास छह परिवार इन 36 कोमरा जजमत विराजमान है, ये आनंद का विषय है। आई रात ये कालाड़ी वे एक दिन पचे जे आदमी ने 1000 रुपया धड़ी का दिया वेर कह दे मैदान कमाए अकेला ने पूरी रात बैठना, बोले तारा 1000 रुपया हेटा राख नींद आवे। और आज रो विषय क्यों जरूरी इंपोर्टेंट है महत्वपूर्ण है कि संत अपने बीच में विराजमान गौ माता रो जागरण और आप एक जजमाते विराजमान हा, ये उस परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि कृपा बिना भोजन और कृपा बिना भजन कौन मिले, ये दो चीज कृपा में मिलिया करे। बाकी तो कपड़ों तो लाखों रुपया पहरे यहाँ, गेणो गोडो भी पहरे यहाँ, गाड़ी गोडो ही लेवा यहाँ, लेकिन भजन और भोजन कृपा से मिलिया करे। थाली में पांच भगवान को भोजन पुरुष जोड़ो है, अरे जी घर से लेनो हरू करा, अरे क्या टेलीफोन आवे हलो किन जगह बोले बोले घरे हूँ, अरे घरे कहीं करे थारो पाको ठोको इसको होश या चोरा माते वो कहो हाथ में छोड़ दिए। क्योंकि भोजन माता अपनी कृपा को साहब भोजन हाथ में लियोड़ो नीचो पड़ जाए कोनी जीवना। यार भजन भगवान की मर्जी शू, भगवान परमपिता परमात्मा की इच्छा शू, भगवान को स्मरण करने को जो अपन अवसर मिले यार अवसर हजारा ने नहीं लाखा में नहीं करोड़ा में एक या दो जना ने मिलिया करे, बाकी को नहीं मिले। 125 करोड़ जनसंख्या भारत में अगला कोई अपाल नहीं बैठा बैठा जागरण थोड़ी करे कई ती बेतरी बार शीशी जोड़ा होता चो रहे माते कई लोगों ने जब अगतर तो फिरे कई लोगों ने बेटरी जोड़ो ठंडा गाले कहता रहा मैं कई झटका मशीन का तार बांधो वेला खोड़ी लो। तो हर आदमी आप अपना काम में बीजी है, लेकिन वो भगवान परमपिता परमात्मा रे घर में बैठा रहा इन मोटी कृपा धरती माता ने अपने आपने बहुत बड़ो भाग्यशाली मानो कि आज आ रात मिली ये भगवान परमपिता परमात्मा मैंने 365 दिन भगवान का भजन ही भजन मिले। इन मोटी धरती पर कोई सुख नहीं है। क्यों महात्मा लोगों ने लिखा है कि सत्री संगत गंगा गोमती सरस्वत काशी परियागा एर लाखों पापी सत्संग में तिरिया डर जमड़ारा भागा। सजनो तिरनो तो सत्संग में तिरे, आज तक उन्हीं की सपा का नाम कोई तिरिया, आज तक उन्हीं स्कूल में कोई तिरिया या बस में कोई तिरिया, हाँ आ तो मैं ही हूँ। एक भजन में गायो आदु आदु पंत निमण पद मोटा संत सती वाली क्रिया, अरे राम जी बिना निमण कुण। ओ भजन लिखमा राम जी गायो माड़ी समाज रा संत लिखमी दास जी नागौर धरती में भी अमरपुरा में, बिना निमण कुण तिरिया। ओ भजन एकर में पचपदरा में गायो बिना निमण कुण तिरिया, ऐसा कोई बूढ़ो डोगरो बैठो भी हो मन गयो कहीं गाओ, मैं क्यों भजन गावा यहाँ घूंगर गाओ बिना निमण कुण तिरिया, मैं क्यों मैं कोनी लिखमो जी गयो बिना निमण कुण तिरिया। बाबो कह लिखमा जी भूल गा, लिखमा जी भूल गया कहो कहो, बोले बाबा हाची बात कही है। बाबो क्या लिखमा जी कहे बिना निवण कुण तिरिया, मैं क्यों जन हाची थे बताओ। बाबो क्या थे गवणिया गाओ बिना निवण कुण तिरिया, यार मारे बाढ़ में खवास में बाढ़ आई लोग माचा हमें थी तिरिया, कही रहा गोना बकरी भेड़ा तिरिया तुझे हाचोरी कांकड़ में लाता, मैं क्यों बाबा थे हाचा कर रहा बाबेरी जगह बाबू ही हाचो। तो भजन बिना तिरनो बहुत हो रो संसार।